क्या कवच से टल सकता था बालासोर रेल हादसा? जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 मार्च 2022 को भारतीय रेल के कवच टेस्टिंग में खुद शामिल हुए थे। रेल मंत्री ने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आमने सामने से पूरी रफ्तार के साथ आ रही दो ट्रेन बिना ब्रेक लगाए अपने आप रुक गई थी। रेल मंत्रालय ने बताया था कि कवच सिस्टम से रेल हादसों पर लगाम लगेगी और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। लेकिन शुक्रवार की शाम ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद से पूरे देश में एक बार फिर कवच सिस्टम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कवच सिस्टम इस बड़े हादसे को रोक सकता था। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे के मुताबिक अप्रैल 2022 तक कुल 1445 रूट किलोमीटर की रेल लाइन मुख्यतः दक्षिण भारत में कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। लेकिन ओडिशा में जहां ये रेल हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है। यहां गौर करने वाली एक बात ये भी है कि कवच सिस्टम रेल के इंजन में इंस्टॉल किए जाते हैं जिससे आमने सामने से आ रही ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सकता है। बालासोर में जिस तरह का हादसा हुआ वहां यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी जबकि उसका इंजन आगे था। अगर इस ट्रेन में कवच सिस्टम होता तब भी ये टक्कर नहीं रुकती क्योंकि कवच सिर्फ उन परिस्थितियों में ही काम करता है जब आमने सामने से आ रही ट्रेनों के इंजन में ये सिस्टम इंस्टॉल हो और काम कर रहा हो। बताते चले कि कवच सिस्टम ट्रेन के पीछे भी इंस्टॉल किया जा सकता है जिससे दो ट्रेनों के बीच आगे पीछे की टक्कर को भी रोका जा सकता है। हालांकि भारत में ट्रेन के पीछे कवच डिवाइस को लगाकर टेस्टिंग नहीं हुई है। बताया जाता है कि मालगाड़ी को टक्कर मारने के बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के कुछ डब्बे पटरी से उतरकर बगल वाली पटरी पर पहुंच गए थे जिसके बाद दूसरी दिशा से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस भी लाइन पर पड़ी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के उतरे हुए डिब्बे से जा भिड़ी। अगर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन में भी कवच होता तब भी ये टक्कर नहीं रुकती। क्या होती है लूप लाइन जिस पर गलती से पहुंच गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस? प्रारंभिक जांच के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस गलती से लूप लाइन पर आ गई थी। रेल संचालन को आसान बनाने और अधिक ट्रेनों को चलाने के लिए स्टेशन के पास लूप लाइन बनाई जाती है। कई इंजन वाली मालगाड़ी के हिसाब से लूप लाइन 750 मीटर तक लंबी होती है। ऐसे ट्रैक कुछ दूरी के बाद मेन लाइन में मिलते हैं। गाइज आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 साल में 3 बार पटरी से उतर चुकी है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ओडिशा में दुर्घटनाग्रस्त हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस 21 वर्षों में 3 बार पटरी से उतर चुकी है और सभी दुर्घटनाएं शुक्रवार को ही हुई है। 2002 में कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे जिससे 100 यात्री घायल हुए थे। इसके बाद 2009 में कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने से लगभग 16 यात्रियों की मौत हो गई थी।